आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर का दौरा है, जो कि 370 टूटने के बाद कश्मीर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, जो कि बख्शी स्टेडियम में कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग जम्मू में मौजूद है और जम्मू का माहौल जानेंगे कि लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज कश्मीर के लिए क्या कुछ नया तोहफा देकर जाएंगे। तो इस समय हमारे साथ गुलशन जी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर क्या लग रहा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आज, क्या कुछ योजनाएं जो है वो कश्मीर में, कश्मीर घाटी में कश्मीर के लोगों को आज देने वाले हैं? हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले आज 5-7-10 दिन जम्मू में आए थे, अब श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एक ही बात है, लेकिन अब श्रीनगर में आए हैं। 370 टूटने के पहली दफ़ा जी आज श्रीनगर में जा रहे हैं। जहाँ तक हमारा ख्याल है जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देने की कोशिश करेंगे, मतलब पब्लिक के लिए देंगे, लोगों के लिए देंगे, वहाँ के रहने के लिए, जो इतने 70 साल में जो चीज़ नहीं बन सकी वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट देने की कोशिश करें। जैसे कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है साफ तौर पर फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स पर, कश्मीर के टूरिज्म पर, हज़रत बल के श्राइन बोर्ड पर, तो क्या कुछ लगता है क्या कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो कर सकते हैं आज प्रधानमंत्री उद्घाटन? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, अगर बहुत सारे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करेंगे? जैसे आगे अगर कम पैसे देते हैं आप उनसे ज़्यादा देंगे, और उनका यही है कि जितने ज़्यादा पायलट श्रीनगर में जा सकें वहाँ जाएंगे, और अगर चीज़ें बढ़ेंगी जैसे जम्मू में अब बढ़ रहे हैं, श्रीनगर में ज़्यादा करने से आगे भी श्रीनगर में बहुत है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करने से वहाँ के अपने लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, इसलिए हम जीतने जाएंगे। गुलशन जी आप भी जम्मू के रहने वाले हैं, आपने भी जम्मू का माहौल देखा कि प्रदर्शन जो है अभी कुछ ही दिन पहले पीएचई डेली वेजर्स का जम्मू में देखने को मिला, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीएचई डेली वेजर्स के लिए कुछ बोलेंगे आज? हाँ, मेरा यहाँ आप ख्याल है कि क्योंकि जो है खाली जम्मू में नहीं है, श्रीनगर में इसी बात पीएचई के लिए है, उनको ठीक मर के अपना कुछ करने के लिए, जो कच्चे हैं उनको पक्का करने के लिए कुछ ना कुछ बोल कर जाएंगे, मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि कल की जो मीटिंग में हुई है उसमें उन्होंने बताया कि जम्मू से प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको लगता है कि कश्मीर के लिए कुछ नया तोहफा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल देकर जाएंगे, और हमेशा वो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ किया, जब से जो बने हैं 10 साल से हमेशा ये लोग से दिया। सबसे बड़ी बात है जो 370 तोड़ा ना, इसलिए जम्मू और कश्मीर के लोग इतने खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, जहाँ तक कि आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से हम कह सकते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव जो है वो आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहें, हम पूरी सीटें जीतेंगे जी, हम जम्मू की 3 सीटें जीतेंगे, श्रीनगर में भी जीतेंगे, जो है चलते हैं पहले 60-70 इकट्ठे उठे जितने मर्जी होंगे, मैं आपसे अपने दावे से पूरी आपके चैलेंज से कह सकता हूँ हम पूरी की पूरी सीट लद्दाख की पूरी सीट जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी बात करने के लिए। इस समय हम लोग, हमारे साथ गुलशन जी मौजूद थे और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है कश्मीर का, जो कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बख्शी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, रैली को संबोधित करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे कश्मीर में, और साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नए वहाँ पर लगे हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो बांटी जाएंगी। अब देखने की बात यह है क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो आज उद्घाटन करते हैं, क्या कुछ नया आज कश्मीर को देकर जाते हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, आगे की अपडेट्स भी आपको जरूर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहेगा जेके न्यूज़ टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट काका राम के साथ समीक्षा वर्मा, जेके न्यूज़ टुडे जम्मू।